तो गाइस कल जब मैं वीडियो बनाने बैठा ना तो पता है मैं बैठा ही रह गया। मैं लिटरली बता रहा हूँ 4 घंटे तक बस मैं यही सोचता रह गया आज मैं वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाऊं। अब यार बताओ 2017 या वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली वीडियो मैं कितनी बार डालूं और अगर मैं कुछ नया ट्राई करता हूं तो भाई ये होता है। ए भाई सुनना भाई, ओ भाई ये बंदा वापस आ गया। जिस भी वीडियो में ये बंदा आता है ना उस वीडियो में मिलियन व्यूज आते हैं। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? अरे वो तो मुझे कुछ काम था ना इसलिए मैं बिजी हो गया था। लेकिन टेंशन क्यों लेते हो, मैं वापस आ तो चुका हूँ ना। अभी वीडियो पे फिर से मिलियन में व्यूज आएंगे और सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, फिर 10 मिलियन तो हम लोग 25 दिन में करेंगे। हमारे 10 मिलियन तो तभी होंगे ना जब कोई बंदा सब्सक्राइब करेगा। मैं देख रहा हूँ 4-5 दिन से कोई बंदा सब्सक्राइब ही नहीं कर रहा है। खैर इन बातों को छोड़ो, हम लोग अपने मेन वीडियो पे आते हैं। तुम्हें तो पता ही है मैं नॉर्मल वीडियो में कभी भी नहीं आता हूँ, मैं आता हूँ बस घोस्ट आईडी वाली वीडियो में। अब आगे तुम खुद समझ लो। अरे ये बंदा गया किधर? और इस बंदे ने लास्ट टाइम जाते में बोला गोस्ट आईडी वाली वीडियो। और हाँ इसे याद आया, गोस्ट आईडी वाली वीडियो तो हम लोगों ने 10 दिन से नहीं डाली है। तो चलो यार आज की वीडियो का टॉपिक तो समझ में आ गया, अभी हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ही व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं फ्री फायर के गोस्ट आईडी। अब देखो अगर आप लोग फ्री फायर खेलते हो तो जाहिर सी बात है आपकी भी फ्री फायर में एक आईडी होगी और ऐसे फ्री फायर के अंदर ना जाने लाखों करोड़ों आईडीज होंगे। लेकिन वो सारे आईडी फ्री फायर के एकदम नॉर्मल आईडी होते हैं, वहीं फ्री फायर के अंदर कुछ आईडी ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे एबनॉर्मल चीजें हैं जिसकी वजह से हम लोग उनको बोलते हैं फ्री फायर के गोस्ट आईडी। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपके लिए ऐसी 5 डेंजरस आईडी लाया हूं जो कि फ्री फायर की गोस्ट आईडीज है। लाइक क्या आप लोगों ने कभी कोई ऐसी आईडी देखी है जिसके अंदर उस बंदे ने सिर्फ 10 मैचेस खेल रखे हो लेकिन उसके बाद भी उस बंदे का 100 लेवल और उसके साथ साथ उस बंदे की आईडी के ऊपर वी बैज भी हो, मतलब वी बैज वाली गोस्ट आईडी। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो 5 आईडीज दिखाने वाला हूं ना उनमें से 2 आईडी तो हमारी वी बैज वाली गोस्ट आईडी है। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ज्यादा खतरनाक रहने वाली है, तो आप लोग वीडियो को एंड तक पूरा देखना हो। लास्ट वाली जो 2 आईडीज है ना वो तो आप लोग बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि वो दोनों आईडी ऐसी है ना जिनको देखकर आप लोग भी बहुत ज्यादा डर सकते हो और उनको देखने में आप लोग भी एकदम शॉक रह जाओगे आखिरकार ऐसी आईडी फ्री फायर के अंदर एग्जिस्ट क्यों करती है। सो बिना देरी करते हुए हम लोग बढ़ते हैं हमारी आईडी नंबर 6 की ओर। तो लिस्ट के अंदर जो नंबर 6 पर आईडी आती है वो एक बहुत ही मिस्टीरियस आईडी है। अगर आप लोग इस आईडी को नॉर्मली देखोगे तो आप लोग बोलोगे चलो यार आईडी तो अच्छी है, सब कुछ इसके अंदर अच्छा है, लेकिन यार आईडी के अंदर मिस्टीरियस क्या है? क्योंकि आईडी सामने से देखने में तो एकदम नॉर्मल लगती है लेकिन इस आईडी के अंदर एक ऐसी बहुत ही मिस्टीरियस चीज है जो कि आपको भी एकदम हिला कर रख देगी। सो आप लोग एक बार इस बंदे के बैजेस देखो, यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा लास्ट 2 सीजन में इस बंदे ने बैजेस बाय करे लेकिन वो भी इतना कुछ खास नहीं है। लेकिन गाइस अगर हम लोग इस बंदे के बैजेस पूरे ओपन कर लेते हैं ना तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। एक बार आप लोग इस बंदे के लास्ट वाले बैजेस देखो, इस बंदे ने कितने ढेर सारे बैजेस बाय कर रखे हैं। यहाँ पर मिस्ट्री ये आती है अगर इतने ढेर सारे बैजेस बाय कर रहा था तो आखिर उसके बाद इस बंदे ने बैजेस बाय करने क्यों रोक दिए? बैजेस तो छोड़ो, 2 सीजन में तो इस बंदे ने इलाइट पास भी नहीं लिया है, तो आखिर कोई बंदा अगर लाखों डायमंड टॉप अप कर रहा है तो वो बंदा एकदम से क्यों रुक जाता है? लगता है ये बंदा भी लोकेश गेमर बनने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन ये बंदा लोकेश गेमर तो नहीं बन पाया, ये बंदा बन गया लोकेश गेमर। सो आप लोग बताना आपको ये बंदे की आईडी कैसे लगी। अभी हम बढ़ते हमारे आईडी नंबर 5 की ओर। सो आईडी को दिखाने से पहले मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, अगर मैं आप लोगों को फ्री फायर में 1 साल दूं और एक नई आईडी मैं आपको बनाकर दे दूं तो 1 साल के अंदर आप लोग उस आईडी के अंदर मैक्सिमम कितना लेवल कर पाओगे? आप लोग ज्यादा से ज्यादा 50 लेवल कर पाओगे, 60 या फिर 65 कर पाओगे। लेकिन एक बार आप लोग इस बंदे की आईडी देखो, इस बंदे की यूआईडी से पता चलता है इस बंदे ने फ्री फायर को सिर्फ 1 साल पहले ज्वाइन करा है। लेकिन एक बार आप लोग इस बंदे का लेवल देखो, इस बंदे का लेवल हो चुका है पूरा 88, मतलब कि ऑलमोस्ट 90 लेवल होने वाला इसका, वो भी सिर्फ 1 साल के अंदर। और यहाँ हम लोग फ्री फायर को 3-4 साल से खेलना है लेकिन तभी हमारा लेवल 70 तक नहीं हुआ है। और जो चीज इस बंदे की आईडी को बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस बनाती है वो इस बंदे के लाइक्स। आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो इस बंदे के लाइक्स 88 लेवल पे सिर्फ 600 है, मतलब लिटरली यार ये चीज तो एकदम इम्पॉसिबल है। कोई बंदा इतने ज्यादा लेवल पे इतने कम लाइक्स कैसे रख सकता है? इतने लेवल पे किसी बंदे के लाइक आराम से 20-30 हजार तो हो ही जाते हैं लेकिन इस बंदे के सिर्फ 600 है। और मैं आपको पहले ही बता दूं इस बंदे का लेवल किसी भी ग्लिच की वजह से 88 नहीं हुआ है, इस बंदे ने 40,000 से भी ज्यादा गेम्स खेले हैं तब जाकर इस बंदे का लेवल 88 हुआ है। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो मैं आपको इस बंदे के स्टैट दिखा देता हूं। आप लोग देख सकते हो इस बंदे ने डुओ के अंदर 38,000 मैचेस खेले हैं, सोलो के अंदर ऑलमोस्ट 3,000 जिसका इक्वल होता है 41,000, मतलब कि इस बंदे ने 41,000 मैचेस खेल रखे हैं। और जिसका केडी रेट देखने बाद आप लोग भी डर सकते हो, यहां पर आप लोग देख सकते हो इस बंदे का डुओ में केडी रेट 0 का है और सोलो में 0.07 का, मतलब यार कोई बंदा इतना कम केडी रेट कैसे रख सकता है? अभी तक मुझे भी लग रहा था ये आईडी किसी नॉर्मल बंदे की होगी लेकिन ये देखकर मुझे बिलीव हो गया ये आईडी किसी भी नॉर्मल बंदे की तो बिल्कुल नहीं हो सकती, आईडी तो फ्री फायर की एक गोस्ट आईडी है। तो गाइस आगे की आईडी मैं आपको दिखाता हूं लेकिन उससे पहले आप लोग एक चीज बताओ, वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन होता है उसे कौन दबाएगा? देखो आज मैं कोई भी लाइक नहीं रख रहा हूं, आप लोग जितना ज्यादा करा सकते हो बस उतना करा देना लेकिन वीडियो को लाइक जरूर करना। और सब्सक्राइब के बटन को तो तुम लोग ऐसे इग्नोर करने लगे हो जैसे लोग आजकल आलोक को करते हैं, तो देखो यार उसे इग्नोर मत करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, तो यार आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उसके बाद में बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो। अभी हम लोग देख लेते हैं हमारी गोस्ट आईडी नंबर 4। अब नंबर 4 पे हमारी एक आईडी नहीं आती है बल्कि यहाँ पर आती है दो आईडी, तो वीडियो को आप लोग देखते रहो आपको खुद समझ में आ जाएगा मैं यहाँ पर दो आईडी की बात क्यों कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो सबसे पहले आईडी आती है ना उसको आप लोग देखो, इसकी यूआईडी देखो कितनी ज्यादा यूनिक है 1111, और जितनी इस बंदे की यूआईडी यूनिक है उतनी ज्यादा इस बंदे की आईडी भी रेयर है। तो देखो सबसे पहली बात तो ये बंदा फ्री फायर का एक मॉडरेटर है, वरना इस बंदे की आईडी टॉप 1 पर भी आ सकती थी अगर ये बंदा फ्री फायर का कोई नॉर्मल प्लेयर होता। इस बंदे की आईडी के अंदर आपको बहुत सारी रेयर चीजें देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि सबसे पहले इसका एविटर, ये एविटर इतना ज्यादा रेयर है कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही बंदे को मिला है जो कि ये बंदा खुद है।
उसके बाद वी बैच भी है और उसके अकाउंट में फ्री फायर की लिटरली हर एक चीज है। चाहे आप लोग कोई से भी ड्रेसेस ले लो, कोई भी बंडल ले लो, कोई भी गन स्किन ले लो, इस बंदी की आईडी में सब ही है। इस बंदी की आईडी में लिटरली अनलिमिटेड डायमंड्स रहते हैं। मतलब ये बंदा जितने भी डायमंड खर्च करना चाहे ये बंदा कर सकता है, लेकिन ये बंदा सिर्फ बैजेस नहीं खरीद सकता। वरना अगर ऐसा नहीं होता ना तो आपको ग्लोबल पे से फ्री फायर के मॉडरेटर देखने को मिलते हैं, वो लोग 1-2 करोड़ बैजेस भी बाय कर लेते। सो इन बातों को हम लोग साइड में रखते हैं। आप लोगों ने इस आईडी को गौर से तो देख लिया ना, तो एक बार आप लोग ये आईडी को देखो। ये आईडी को देखने के बाद आप लोगों को लग रहा होगा ये तो यार एकदम सेम आईडी है जो हमने पहले देखी थी, इसका बस ड्रेस चेंज है, बाकी तो आईडी एकदम पहले वाली आईडी है, क्योंकि इसका लेवल भी सेम है, लाइक्स भी सेम है, एफ्टर बैनर भी सेम है, नाम और बायो भी तो सेम है ना, तो ये आईडी तो एकदम सेम आईडी हुई। लेकिन क्या होगा अगर मैं आप लोगों से बोलूं ये आईडी तो हमारे इंडियन सर्वर की नहीं है। आप लोग इस बंदे की यूआईडी देख सकते हो, इस बंदे की यूआईडी भी बहुत ही यूनिक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन ये यूआईडी हमारे पिछले वाली आईडी से बिल्कुल अलग है। जितनी भी रेयर चीजें पहली वाली आईडी के अंदर थी, इस वाली आईडी के अंदर भी सभी चीजें हैं। और ये जो आईडी है वो भी एक ही बंदे की है जिसका नाम है जीएम रेमी, जो कि हमारे इंडिया का पहले मॉडरेटर था। अभी आपको समझ में आ गया होगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा था, 4 नंबर पे हमारी एक आईडी नहीं बल्कि 2-2 आईडी होने वाली है। तो आप लोग बताना आपको हमारी इंटरेस्टिंग से आईडी कैसे लगी। तो अभी हमारे हमारे आईडी नंबर 3 की। तो 3rd नंबर पे जो गोस्ट आईडी आती है वो हमारे इंडियन सर्वर की आईडी है। इस आईडी के बारे में सबसे पहली बात तो ये है कि आईडी एक ऑफलाइन आईडी है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो बंदा 27 डेज से गेम में ऑफलाइन है। सो आईडी देखने के बाद आपको सब कुछ यहाँ पर एकदम नॉर्मल देखने को मिलेगा। इस बंदे के पास हिप हॉप बंडल है, एशियन स्कार्फ है जो कि यार बहुत ही रेयर है। लेकिन इन सब चीजों की वजह से कोई आईडी गोस्ट आईडी थोड़ी हो सकती है, ऐसा आप लोग सोचते हो। लेकिन गाइस अगर इस बंदे की आईडी गोस्ट आईडी नहीं होती तो इस बंदे को मैं लिस्ट में थोड़ी रखता। देखो सबसे पहले इस बंदे का जो शर्ट है वो सीजन 2K लाइट पास का, जो मास्क है वो सीजन 4K लाइट पास का। और एक बार सर आप लोग इस बंदे के बैजेस देखो, इस बंदे के जो बैजेस हैं वो सिर्फ 3 सीजन के, जो कि यार अभी के सीजन है। आप में से बहुत सारे बंदे सोचेंगे जो इलाइट पास रिटर्न आए थे शायद इस बंदे ने उसमें से ले लिया, तो उसमें तो हमें इलाइट पास के बस मेन बंडल मिल रहे थे, लेकिन जो एशियन स्कार्फ हो गया, इस बंदे का एफ्टर बैनर हो गया, आखिर वो इस बंदे के पास कहां से आ गया, क्योंकि वो तो बस उनको मिल रहा था जिन बंदों ने इलाइट पास लिया होगा। और बैजेस पूरे कंप्लीट करे होंगे, लेकिन इस बंदे के पास ना ही तो इलाइट पास के बैजेस है ना ही इलाइट पास है। और एक और चीज, इस बंदे का जो ड्रेस है ना वो भी बहुत टाइम पर चेंज होता रहता है। मतलब इस बंदे की आईडी ऑफलाइन होने के बाद भी इस बंदे की आईडी के ड्रेसेस चेंज होते रहते हैं। अभी इस बंदे की आईडी में हिप हॉप बंडल है, लेकिन कभी कभी इस बंदे की आईडी में क्रिमिनल बंडल भी आ जाता है। यहां तक हम लोगों ने कंप्लीट कर ली पूरी 4 आईडी, अभी बची है लास्ट की 2 आईडी। और मैंने आप लोगों से बोला था लास्ट की जो 2 आईडी होने वाली है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोग जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो गोस्ट आईडी की लिस्ट में जो नंबर 2 पर आईडी आती है वो एक वी बैज वाली गोस्ट आईडी है। तो जैसे कि यहाँ पर आपको देखने मिला इस बंदे का लेवल कितना है, सिर्फ 1, लेकिन उसके बाद भी इस बंदे की आईडी में वी बैज है। फ्री फायर के अंदर आज तक आप लोगों ने जितने भी वी बैज वाले आईडी देखे होंगे उनमें से मैक्सिमम का लेवल 70 होता है, 80 होता है या फिर इससे ज्यादा ही होता है, लेकिन इस बंदे की आईडी में तो लेवल 1 पर वी बैज है। और ये बंदा इस आईडी से कोई गेम भी नहीं खेलता है, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे इस बंदे की आईडी में वी बैज है। तो ये चीज इस बंदे की आईडी को गोस्ट आईडी बनाती है। तो फाइनली गाइस अभी बारी आती है उस आईडी की जिसके आप लोग वीडियो में शायद अभी तक बने हुए हो, जो कि हमारे 100 लेवल वाली गोस्ट आईडी जिस पे वी बैज है। आज तक आप लोगों ने बहुत सारे 100 लेवल वाले आईडी देखे होंगे, लेकिन वो सारे आईडी किसी ग्लिच की वजह से होते हैं। लेकिन एक बार आप लोग इस बंदे की आईडी को देखो, इस बंदे का 100 लेवल है, 9999 लाइक्स है, और भाई इतना ही नहीं इस बंदे के पास वी बैज भी है। चलो यार यहां तक भी ठीक था, समझ में आता है 100 लेवल होगा, 999 लाइक्स हो गए होंगे, और ये बंदा कोई फेमस प्लेयर होगा इस वजह से इसने पार्टनर प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया जिसको वी बैज मिल गया। लेकिन जो असली ट्विस्ट आता है वो इस बंदे के स्टैट्स में आता है। आप लोग यहां पर क्लियरली देख सकते हो इस बंदे ने अपनी लाइफ टाइम के अंदर सिर्फ 22 मैचेस खेले, मतलब सिर्फ 20 मैचेस में इस बंदे का 100 लेवल कैसे हो गया और इस बंदे के इतने ढेर सारे लाइक्स कहां से हो गए। तो आप लोग बताना गाइस आपको इस बंदे की आईडी कैसे लगी। तो चलो गाइस आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करना, और भी ज्यादा पसंद आई तो सब्सक्राइब भी कर देना। और मैं मिलता तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।